कोरोना जैसी महामारी के चलते पूरे देश में दहशत का माहौल है। इस कोरोना काल में जहां स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका है, परंतु इंदौर के MRTTV हॉस्पिटल के कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला। उसके चलते सारे कर्मचारियों ने काम बंद कर हॉस्पिटल के बाहर रास्ता रोका। इंदौर ब्यूरो राकेश सचर की रिपोर्ट। जो कि सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग और ऑक्सीजन वाले हैं, जो कि पिछले मार्च से हम इस MRTV हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और हमको सैलरी देने का काम है ह्यूमन मैट्रिक्स और सिक्योरिटाइज का HMS, जो कि पिछले मई से हमको 4 महीने की सैलरी ना मिलने की वजह से हम ना तो घर जा पा रहे हैं, ना हम हमारा किराया दे पा रहे हैं और हमारा जीना मुश्किल रहेगा, क्योंकि हम हमारी डेली की जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी नहीं हम कर पा रहे हैं। तो हमने हमारे सुपरवाइज़र गिरजा शंकर यादव से पिछले 2 महीने से कांटेक्ट कर रहे हैं। वो हर बार 1 दिन 2 दिन 4 दिन करके टालते रहे हैं और हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। मेरा नाम अभिषेक मालाकार। सर, हम ह्यूमन मैट्रिक्स सिक्योरिटी कंपनी से हैं और हम यहाँ जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन जिसे जनता कर्फ्यू कहते हैं, जब से हम यहाँ काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाने का जो कार आदेश हमें दिया गया था वो CMHO साहब के माध्यम से दिया गया था, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के द्वारा। अब उस आदेश के अनुसार हमें 6 गार्ड लगाने थे, 6 गार्ड हमने लगा दिए और 6 गार्ड मार्च से लेके आज डेट तक हमारे पास गार्ड कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमें जो कार आदेश दिया गया था उसमें लिखा गया था कि NHM CMHO के अधीन जो शाखा है NHM, उससे आप लोगों का बिल का भुगतान किया जाएगा, लेकिन हमें अभी तक 1 भी रुपये का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे वर्क ऑर्डर्स को बार बार चेंज किया गया है, हमें जो कार आदेश दिए हैं उनको बार बार चेंज किया गया है। हमारे द्वारा जब भी CMHO ऑफिस में इस बात के लिए पूछा जाता है कि हमारे भुगतान का क्या होगा या क्या करना चाहिए, हमें 6 महीने से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ निराकरण दीजिए, तो हमें वहाँ आज अभी की जो स्थिति है, हमें अपने उनके ऑफिस से उठा के बाहर कर दिया जाता है कि हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। भोपाल आपके बिल के भुगतान के लिए हमने लेटर लिखा है और भोपाल से जब तक कोई भी आश्वासन या कोई भी पत्र हमें प्राप्त नहीं होता तब तक हम आपको किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं कर पाएंगे। सर, सुरक्षा तो हम सिर्फ यहाँ दे रहे हैं, एक हुकुमचंद हॉस्पिटल में दे रहे हैं, एक परिवार कल्याण क्षेत्रीय परिवार कल्याण विभाग है उसमें हम सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं। तो इन सर सैलरी नहीं होने का रीज़न ये है कि सर वित्तीय स्थिति हमारी कंपनी की इतनी अच्छी नहीं है कि हम अभी इनको अपने खुद के फंड से हम इनको पेमेंट रिलीज कर दें। लॉकडाउन को चलते आप खुद सब जानते हैं, जनता भी जानती है कि लॉकडाउन को चलते हुए कितना भारी नुकसान जो है वो सभी को हुआ है और हमने सरकार का साथ जो है वो कंधे से कंधा लगा के दिया है। सर, हमें क्लाइंट से जैसे ही हमारे क्लाइंट CMHO साहब के यहाँ से हमें पेमेंट प्राप्त होता है, विद इन 1 डेज हम पेमेंट शाम तक क्रेडिट कर देते हैं बंदों के अकाउंट। अभी आप लोगों का पेमेंट नहीं आया तो अभी क्या है अभी आपके वर्कर वर्किंग में है? वर्कर तो काम कर रहे हैं, आज वर्करों में आक्रोश देखने को मिला है जिससे रोड जाम, चक्का जाम करने की स्थिति जो है वो बन गई थी। मेरा नाम गिरजा शंकर यादव है, मैं HMS में फैसिलिटी हेड हूँ, इन सभी को मैं ही लीड करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।